खटीमा को बाढ़ जैसी आपदा से बचाने के लिए नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड के खटीमा को हर वर्ष वर्षा से होने वाले जल भराव से मुक्ति दिलाने हेतु बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं के तहत खटीमा नगर को जल भराव एवं बाढ़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। भारत सरकार की सर्वे टीम ने NCI एडवाइजर DK सिंह के नेतृत्व में सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। हम लोगों ने आज का भ्रमण ये रखा है कि जो भी क्षेत्र नाले के हैं खटीमा में, वो सारे लोग सारे मेजर जो ड्रेन्स हैं या माइनर ड्रेन्स हैं या और भी छोटी नालियां हैं, वो सभी को देखा जा सके फिजिकली। और हमारा प्रयास ये रहा है कि हम देख तो रहे हैं और हम जियो ट्रैक भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि हमारे सर्वे टीम भी यहाँ मुस्तैद है हमारे साथ, और वो जियो ट्रैकिंग से सारे नालियों का अलाइनमेंट भी साथ साथ चल रहा है। हम जनप्रतिनिधि के साथ जो जो समस्याएँ हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं, और उन समस्याओं को का निदान कैसे होगा तकनीकी तौर पर, वो सारी चीज़ों को हम लोग नोट करते चले जा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ खटीमा नगर का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक जियो टैगिंग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे कि हाथों हाथ सारा डाटा दिल्ली में बैठी टेक्निकल टीम तक पहुंच रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को आने वाले वर्ष 2041 तक जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया ने बताया कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पे लगातार काम हो रहा है, और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सिंह साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं, और खतरा और ऐड के नारे इन दोनों का सर्वेक्षण हो रहा है, और जो और जगह है पूर्णागिरी कॉलोनी है, डिग्री कॉलेज के पीछे वाला जो है और एरिया है, इन सब एरिया को आज ये सर्वे की टीम उसको आकलन करेगी, देखेगी, उसके बाद इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, और यथाशीघ्र, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं नगर पालिका परिषद जो चाहती है कि इस प्रतिमा में जो मैटर में उनकी बड़ी विकराल समस्या उसका समाधान इस अगर नाले को पक्का कर दिया जाएगा तो उससे काफ़ी हद तक हल हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, शुरू से जब से विधायक थे और आज तक उन्होंने इस पर काम किया है, और ये एक टीमा का जो सपना है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे इसी आशा उम्मीद के साथ ये टीम हमारे लिए यथाशीघ्र काम करेगी, और इसका प्रस्ताव शीघ्र सिंचाई विभाग द्वारा शासन को दिया जाएगा और स्वीकृत होगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।